है। प्रयागराज पहुंचे बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मणों को अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। बीएसपी पहले दिन से किसानों के साथ है। कृषि बिलों को लेकर बीएसपी संसद में आवाज उठा रही है। समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा प्रयागराज आए हैं, ऐसे में ब्राह्मण सम्मेलन का कई जगह इन्होंने कार्यक्रम किया है। मंत्री जी, क्या लगता है आपको, अभी भी पक्ष में जो सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि जिस तरह की ये राजनीति की जा रही है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, ये राजनीति से जो ब्राह्मण है वो बिल्कुल भटकेगा नहीं? देखिए, ये भटकाने का ना कोई हम काम कर रहे हैं, ना ब्राह्मण समाज को कोई भटका सकता। हाँ, इन्होंने भटकाने की कोशिश की, इन्होंने उसको प्रताड़ित भी करा, प्रताड़ित करने के साथ परेशान भी किया, परेशानी के साथ साथ जिससे दलित समाज को किया वैसे ब्राह्मण समाज को हिट लिस्ट में रखा। लेकिन ब्राह्मण समाज जो है बुद्धिजीवी समाज, अब उसने देख लिया कि इनके साथ रह करके उसके साथ क्या नतीजा हुआ है। अब उसने मन बना लिया है कि जिस तरह से वो हमारे साथ में 2007 में था, वो दोबारा हमारे साथ आ रहा है। अपने मान सम्मान स्वाभिमान, जिसको इन्होंने ठेस पहुंचाने ख़त्म करने का काम किया है, उसको वो पाने के लिए हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़ा है। एक सवाल और है कि कृषि बिल कानून को लेकर अभी भी किसान नेता लगातार धरना प्रदर्शन पे, आपका क्या कहना है, किस तरह से बहुजन समाज पार्टी साथ दे रही है उन किसानों का? हम लोग डे वन से दे रहे हैं, हमने पार्लियामेंट में स्वयं उठाया इस मुद्दे को, हमारी पार्टी के लीडर रितेश पांडे और बाकी लोगों ने वहाँ, हम लोग अभी इस पार्लियामेंट सेशन में रोज़ धरना हम लोगों ने दिया है खड़े होकर के। आज भी हमारे सांसद खड़े थे और इस बात किसान कानून इसके खिलाफ किसान जो है वो आंदोलित है, इसलिए क्योंकि जो तीन कानून बनाए हैं उन्होंने वो बिल्कुल किसान विरोधी कानून है, उनकी ज़मीनों को हड़पने की योजना है और किसान इस बात को समझ गया इसलिए उसका विरोध कर रहा है। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि प्रयागराज दौरे पर थे और यहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन का कार्यक्रम था उसमें मौजूद रहे। और लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं गर्मी पकड़ रही है, 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो तेज़ हो रही है। प्रयागराज से नेटवर्क के लिए सार्थक पांडे।